जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है? तो लोगों को यस सर। ओके थैंक यू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फर्निश्ड केजेस फॉर लेइंग हैंड्स। तो सबसे पहले हम फर्निश्ड केजेस की बात कर लेते हैं, फिर हम आपको जनरल मैं बता देता हूँ। लेइंग हैंड्स जो हैं वो प्रीडोमिनेंटली अगर हम कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल लेयर को हम कहते हैं वाइट लेइंग हैंड्स को। तो दे आर उसके लिए हम सबसे पहले दो तरीकों से यूज़ करते थे। सबसे पहले जो कि जब ये चीज़ें कमर्शियल इवॉल्व हो रही थी तो हमने बर्ड को दो टाइप पे कन्वर्ट कर दिया, उसको मीट टाइप और एग टाइप के ऊपर। तो जो मीट टाइप के बर्ड्स हैं उनको हम कमर्शियल ब्रॉयलर्स कहते हैं और जो एग टाइप के बर्ड्स हैं उनको हम लेयर्स कहते हैं। उनको जनरली लेइंग हैंड्स जो हैं वो कमर्शियल जो चिकन है जो लेइंग हैंड्स वाला उसके लिए यूज़ होता है, इसको हम कमर्शियल लेयर्स भी कहते हैं। और कमर्शियल लेयर्स जब उन्होंने इवॉल्व किया तो उसके लिए उन्होंने इसके जेनेटिक पोटेंशियल को मज़ीद इम्प्रूव किया। एक तो ऑलरेडी बर्ड ही इस तरह का सिलेक्ट किया जो कि एक अच्छा एग प्रोड्यूसर था, दूसरा एक उन्होंने उसमें मज़ीद आप समझ लें कि एक इस तरह के जीन जो हाई प्रोड्यूसिंग बर्ड हैं उनकी सिलेक्शन करके मज़ीद इम्प्रूव जो वेरिएंट्स हैं या स्ट्रेन्स हैं वो डेवलप कर लें। अब वो डेवलप करने से ये हुआ कि वो बर्ड का जेनेटिक पोटेंशियल ज़्यादा अच्छा था और वो अपने जो उनके कमर्शियल या ओरिजिनल काउंटर पार्ट्स थे उनसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के साथ एग प्रोड्यूस करने लग गए। लेकिन अब इतने हाईली जो जेनेटिकली इम्प्रूव्ड बर्ड हैं उनको उनका जो जेनेटिक पोटेंशियल को रियलाइज़ करने के लिए उनको उस तरह का एनवायरनमेंट भी देना ज़रूरी होता है। तो वो एनवायरनमेंट देने के लिए हमने क्या किया कि बर्ड को जो कमर्शियल लेइंग हैंस हैं उनको उठा के केज के अंदर डाल दिया। उनके लिए पहले हाईली डेवलप केजेस बनाना शुरू किए। उस केजेस के अंदर यह था कि बर्ड जैसे ही उस केज के अंदर एग प्रोड्यूस करता था तो उसके नीचे स्लोपिंग वायर्स होती थी और ये स्लोपिंग वायर जो है ना वहाँ से एग रोटेट होके वो मेन पे आ जाता था फ्रंट पे और वहाँ से हम एग को ना कलेक्ट कर लेते थे। तो इस तरीके से जैसे जैसे एग लेयर की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई इस तरीके से उसकी हाउसिंग सिस्टम भी स्टार्ट होती थी। तो लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्प्रूव्ड वर्जन ये हुआ कि ओवर द टाइम जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई और लेइंग हैंड्स जो हैं या उनकी जो पॉपुलेशन है वो भी हमें मज़ीद इंक्रीज़ करनी पड़ी तो हमने अल्टीमेटली क्या किया कि मज़ीद केज को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया ताकि एक टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो बर्ड्स हैं ना वो इसमें रह सकें। और हमने उसको कहते हैं कि टीयर सिस्टम, मुख्तलिफ हमने टीयर सिस्टम बना लिए के मंजिलें जिस तरह होती हैं घर या बिल्डिंग्स देख लें डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी या इस तरह से होता है, बिल्कुल हमने केज को भी उसी तरीके से हमने क्या किया कि डबल स्टोरी के फॉर्म में या 4, 5, 6 और मॉडर्न डे के जो हैं वो तो 7 टीयर्स तक हैं। तो ये हमने मुख्तलिफ केज बनाने शुरू कर दिए। अब केज से ये तो फ़ायदा हो गया कि एक टाइम के अंदर हम एक शेड में लाखों के हिसाब से बर्ड को रियर कर सकते हैं और उनकी रेयरिंग आसान है। अगर हम फ्लोर पे बर्ड को रेयर करें तो एक टाइम पे सपोज अगर 1 लाख बर्ड आप रेयर कर सकते हो तो जो टीयर सिस्टम है केज सिस्टम है उसमें उतने जितने आप टीयर बढ़ाते जाएंगे उतने लाख बर्ड जो है ना वो ग्रो करता जाएगा। तो इस तरीके से हम एक शेड के अंदर 3 लाख 4 लाख बर्ड तक ग्रो कर सकते हैं। तो उससे हमें इकोनॉमिकली तो बड़ा फ़ायदा हुआ कि हम एक टाइम पे मैक्सिमम बर्ड जो है उसको ग्रो कर सकते हैं। फिर केज सिस्टम में सबसे बड़ा फ़ायदा हमें यह होता है कि वहाँ पे जैसे ही बर्ड एग प्रोड्यूस करता है वो रोटेट होके हम उसको इजीली एग उठा लेते हैं जिससे एग की क्वालिटी बड़ी बेहतरीन रहती है। उससे का मतलब ये है कि उसमें कोई ऑर्गेनिक मटेरियल या उसके फीसिस नहीं लगती और एग जो है वो फ्रेश और क्लीन होता है। तो ये चीज़ें जो है ना ओवर द ईयर चलते नहीं, केज जो सिस्टम है वो लेयर के लिए पॉपुलर होता रहा डे बाई डे। तो फिर ये हुआ कि कुछ कह सकते हैं कि तकरीबन अभी 30 साल पहले
थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंस ये आई कि कुछ जो वेलफेयर एस्पेक्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा ना प्रोमिनेंट होना शुरू हो गए, और लोगों ने इस बात पे ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर दी कि जब हमने बर्ड को एक केज के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर दिया है तो वो बर्ड तो मूव कर ही नहीं सकता, वो एक ही जगह पे रहता है ना, वो अपने विंग्स को प्रॉपर फ्लैपिंग कर सकता है, क्योंकि इतने ज़्यादा बर्ड होते हैं एक केज के अंदर, 9 के करीब बर्ड होते हैं, तो उससे अल्टीमेटली नुकसान ये होता है कि जो बर्ड हैं उनको इंजरी हो सकती है, और वो बड़ी एक मिनिमम जगह पे रेस्ट्रिक्ट होकर रहते हैं, उससे ओवरऑल उनकी जो प्रोडक्शन है वो भी रिड्यूस हो जाती है। अच्छा, तो अब ये है कि जैसे ही ये प्रॉब्लम आई, लोगों ने इसकी वेलफेयर कंसर्न पे बात करना शुरू की, तो अल्टीमेटली लोगों का ये कहना था कि अगर हम बहुत ही छोटी सी जगह पे बर्ड को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो एक तो बर्ड मूव नहीं कर सकता अपनी पूरी लाइफ के अंदर, एक ही जगह पे रह रह के उसकी बोन्स फ्रिजाइल हो जाती हैं और जल्दी जो है ना वो मोर्टेलिटी उसकी हो जाती है। इसको हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं पोल्ट्री साइंस में, जिसको हम कहते हैं कि केज लेयर फटीग। बर्ड को ना केज लेयर फटीग हो जाती है, क्योंकि केज के अंदर ही रहता रहता है, वो मूव नहीं कर सकता, जबकि नेचुरली देखें तो बर्ड जो है वो एक कमर्शियल लेयर बहुत एक्टिव बर्ड और स्मार्ट बर्ड है, कि वो बहुत ज़्यादा मूव कर रहा होता है। तो इसमें एक तो वेलफेयर कंसर्न ये बना कि ये जो बर्ड है ये बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर सकता, इसकी नेचुरल बिहेवियर फिर पूरे नहीं होते। नेचुरल बिहेवियर से मुराद ये है कि बर्ड को इतनी जगह प्रोवाइड करनी चाहिए कि वो अपने दोनों विंग्स को एक ही टाइम पे फ्लैपिंग कर सके उसकी, लेकिन केज के अंदर ये चीज़ उसको प्रोवाइड नहीं की जाती। तो और उस तरह से देखा जाए तो इकोनॉमिक इसके बड़े इम्पैक्ट हैं केज के, एक टाइम पे हम काफ़ी बर्ड को रियर भी कर सकते हैं और अल्टीमेट उसमें हम बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर एग भी रिसीव कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसके बिहेवियरल नीड की बात करें, वेलफेयर कंसर्न की बात करें, तो डेफिनेटली कंसर्न है। तो तकरीबन आप समझ लें कि ये पिछले कुछ 30 साल से ये काफ़ी ज़्यादा इसकी बहस चलो शुरू हुई कि किस तरीके से ताकि हम इसको इम्प्रूव कर सकें। चलो चलो तो फिर ये है कि हमने अल्टीमेटली इस पर सोचना शुरू किया कि किस तरीके से हम बर्ड का जो बिहेवियर है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं इसके अंदर। तो हमने फिर अल्टीमेटली किया कि के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करने, मॉडिफिकेशन से मुराद केज के अंदर हमने इम्प्रूवमेंट करने शुरू कर दी कि किसी तरीके से बर्ड जो है हम उसकी बिहेवियर नहीं शुरू कर सकें। तो वो करने के लिए हमने 3 चीज़ों का इंतखाब किया, चीज़ों को मजीद इम्प्रूव किया। तो फर्निश केजेस वर कंसीव्ड ओवर 30 ईयर्स अगो व्हेन द वेलफेयर एफिशिएंसी ऑफ बैरन कन्वेंशनल वंस वाज रियलाइज्ड। तो ये जो कन्वेंशनल है ये वही है केज सिस्टम, जब इसकी बिहेवियर नीड्स की बात हुई तब जाके हमने बात शुरू कर दी फर्निश केजेस की। देयर यूज वाज इंटेंडेड टू एनहांस बिहेवियर एंड वेलफेयर विदाउट द डिसएडवांटेज ऑफ नॉन केज एंड एक्सपेंसिव हाउसिंग। तो हमने बेसिकली ये 2 चीज़ें हैं, एक बिहेवियरल है बिहेवियरल नीड और एक है वेलफेयर नीड। बिहेवियरल नीड से मुराद ये है कि एक तो बर्ड को इतनी एम्पल स्पेस मिले कि वो विंग फ्लैप कर सके, फिर दूसरे नंबर में बात ये है कि वो उसको प्रॉपर स्क्रैचिंग करने का मौका मिल सके, क्योंकि बर्ड की ये नेचुरल इनेट बिहेवियर है कि वो स्क्रैचिंग कर रहा होता है, तो ये एक उसको प्रॉपर मिलनी चाहिए। फिर वेलफेयर कंसर्न उसका होना चाहिए कि उसको इतनी स्पेस मिले कि वो एक्सरसाइज कर सके, वो मूव कर सके, क्योंकि वो सारी लाइफ अगर एक ही केज में गुजार देगा तो ऐसा ऐसा उसकी बोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रिजाइल हो जाएंगी, और अल्टीमेटली क्या होगा कि वो जो बर्ड है वो एक टाइम ऐसा आता है कि फिर उसकी मोर्टेलिटी हो जाती है। तो ये समझ लें कि कुछ कंसर्न थे। अब कुछ टर्मिनोलॉजी पहले आपको मैं बता देता हूँ ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सके। फर्निश्ड केजेस को हम एनरिच्ड केजेस भी कहते हैं, और ये समझ लें कि अगर आप अपने जो कन्वेंशनल केज सिस्टम है, जो कि आपको मैंने अभी बताया कि हम पहले केज में बर्ड को रियर करते हैं, अगर उसके अंदर हम 3 चीज़ें 3 थिंग्स ऐड कर दें तो वो केज जो है वो मॉडिफाई हो जाता है और वो एनरिच्ड हो जाता है। अब वो एनरिचमेंट किसके साथ करते हैं हम, सबसे पहले तो परचीज आप समझ लें कि एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जिस पे बर्ड जो है वो बैठ सकता है,
और बर्ड की ये नेचुरल आप समझ रहे हैं कि इंस्टिंक्ट है कि वो पर्चिंग करता है। और ज़्यादातर इसकी अगर हिस्ट्री देखें तो बैक एंड पे चिकन की जो इंसेस्टर हैं वो रेड जंगल फाउल निकलते हैं, और रेड जंगल फाउल जो थे जब वो फॉरेस्ट में रहते थे तो रात के टाइम उनको प्रीडेटर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी। तब वो फिर क्या करते थे कि वो किसी भी ट्री के ऊपर ना बैठ जाते थे, पूरी रात वहाँ पे स्पेंड करते थे। तो इस तरह से उनके अंदर ये एबिलिटी पैदा हो गई पर्चिंग वाली, इसको हम कहते हैं ये परचीज, जिस पे बर्ड बैठ के रेस्ट करता है। दूसरे नंबर पे नेस्ट बॉक्स है। बर्ड जो है वो नेस्ट के अंदर जाके एक सेक्लूडेड एरिया के अंदर, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे कोई और ना उसको देख सके, ऐसी जगह पे जाके एक सेपरेशन में, आइसोलेशन में बर्ड वहाँ पे एग प्रोड्यूस करना पसंद करता है। केज के अंदर उसकी ये जो प्राइवेसी है वो ख़त्म हो जाती है, उसको केज के अंदर ही जाहिर बात है देना पड़ता है। तो फिर उन्होंने ये ऐड किया कि एक तो पहले बर्ड को बर्चिस प्रोवाइड की जाए ताकि उसमें वो रात के टाइम रेस्ट कर सके या जब भी, दूसरा ये है कि नेस्ट बॉक्स किया जाए ताकि बर्ड जो है वो नेस्ट के अंदर जाके एग प्रोड्यूस करे बजाय कि उसको केज में एग देना पड़े। तीसरी बात ये है कि जो कि स्क्रैचिंग भी आपको बात बताई है कि ये बर्ड का एक नेचुरल बिहेवियर है कि बर्ड जो है वो स्क्रैचिंग करता रहता है। तो वो स्क्रैचिंग को प्रोवोक करने के लिए, एनहांस करने के लिए लिटर मटेरियल दिया, लिटर एरिया रखा जाता है केज के अंदर ही, जहाँ पे लिटर रखा होता है। बर्ड वहाँ पे जाता है और वहाँ पे स्क्रैचिंग वगैरह करता रहता है, डस्ट बाथिंग भी वहाँ पे वो करता है। तो ये तीन चीज़ें जब हमने बर्ड को केज के अंदर ही प्रोवाइड कर दी तो बर्ड के जो बिहेवियर हैं वो उतना इम्प्रूव हो गए और उसकी वेलफेयर कंसर्न भी दूर हो गए। तो इसीलिए इस तरह के केज जिसके अंदर हम पर्चीज ऐड कर देते हैं, नेस्ट बॉक्सेस ऐड कर देते हैं या लिटर एरिया प्रोवाइड करते हैं, इस तरह के जो केजेस होते हैं ना, दे आर कॉल्ड एज अ फर्निश्ड केजेस इसको, या फिर एनरिच्ड केजेस कहा जाता है। तो अल्टरनेटिव जो सिस्टम्स हैं उसमें एक तो कन्वेंशनल लेइंग केजेस हैं जो कि शुरू से यूज होते आ रहे हैं, जिसके बारे में बात हो रही थी, उसके बाद फर्निश्ड लेइंग केजेस हैं जिनमें हमने ये पर्चीज और नेस्ट बॉक्स और लिटर एरिया ऐड कर दिया है, और तीसरा नॉन केज सिस्टम है। नॉन केज सिस्टम इंटायरली डिफरेंट है, वो उसमें फिर फ्री रेंज की बारी बात आ जाती है, एवरी सिस्टम की बात आ जाती है, जिसमें हम बर्ड को आउटडोर एक्सेस देते हैं कि वो शेड से बाहर जा सकते हैं। सो ये आप समझ लें कि ये टर्मिनोलॉजी आपने याद रखनी है कि फर्निश्ड केजेस क्या है, इसी को ही हम एनरिच्ड केजेस कहते हैं। इसके अलावा अल्टरनेटिव सिस्टम के अंदर कन्वेंशनल लेइंग केज है जिसमें कन्वेंशनल केजेस होते हैं, फर्निश्ड लेइंग केजेस जो कि अभी ऊपर आपको बताया है, और नॉन केज सिस्टम जिसमें केज के अंदर बर्ड नहीं रहता, फ्लोर के ऊपर रहता है और उसको हम आउटडोर एक्सेस देते हैं। अब फर्निश्ड केजेस की अगर हम पहले बात कर रहे हैं तो इसकी कैटेगरीज हैं अकॉर्डिंग टू कॉलोनी साइज। अगर आपने स्मॉल फर्निश्ड केजेस बनाने हैं अप टू 14 हैंस के लिए वो बनते हैं, इसके अलावा आप मीडियम साइज फर्निश्ड केजेस बना सकते हैं जो कि 15 से 30 तक, अगर आपने मुर्गियाँ रखी हैं लेइंग हैंड्स हैं तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा लार्ज फर्निश्ड केजेस भी हैं जो कि ओवर 30 हैंड्स हैं, तो ये आप तीन तरह की कलोनी साइज के हिसाब से फर्निश्ड केजेस बना सकते हैं। अगर आपके पास 14 या उससे कम मुर्गियां हैं तो स्मॉल फर्निश्ड केजेस बनेंगे, 15 से 30 के लिए मीडियम साइज का बनता है, और 30 से ऊपर बर्ड के लिए एक लार्ज फर्निश्ड केज बनता है। लार्ज फर्निश केजेस आर आल्सो कॉल्ड एज एनरिच्ड कलोनी केजेस एंड हाउस अप टू 90 हेंस, और ये 90 हेंस तक इसको रियर कर सकता है। तो इस सारी चीज़ों में हमें एक चीज़ मेजर नज़र आ रही है कि केज के अंदर तो एक टाइम पे ज़्यादा बर्ड आ सकता है, लेकिन अगर हम उसकी वेलफेयर नीड को पूरी करेंगे या उसके बिहेवियर कंसर्न्स को देखेंगे तो हम इतने ज़्यादा मैसिव अमाउंट में बर्ड नहीं रख सकते, हमें उसके लिए कंपेरेटिवली लेस बर्ड जो है ना वो रख सकते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा एरिया रिक्वायर्ड होगा इतने ज़्यादा बर्ड को रखने के लिए। अब ये स्मॉल फर्निश्ड केजेस हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट आई थी। सबसे पहले तो ये आपको दिखा देंगे, ये जो कलोनी केजेस हैं जिसमें हमने बात की है कि ये स्मॉल है, एक रेप्लिकेशन या केज के अंदर 9 तक बर्ड होते हैं, और ये जो जैसे ही एग ले करता है तो ये आप देख रहे हैं कि ये स्लोपिंग वायर होती है और एग रोटेट करके इधर आ जाता है, बर्ड इसी जगह पे रहता है, इसीलिए यहाँ से ही एग रोटेट होके ये नीचे आपके सामने नजर आ रहे हैं कि ये एग पड़ेगी। ये थोड़े से ज़रा मीडियम साइज के हैं, इसमें ब्राउन एग इस वक्त बड़ी हुई है तो उसमें इसमें ज़रा नंबर ऑफ बर्ड्स थोड़े से ज़्यादा आ जाते हैं, तो ये थोड़ी सी उससे लार्जर कह लें आप। लार्ज जो फर्निश्ड केजेस हैं वो इस तरह के लार्जर हैं जिसमें अब आप कह सकते हैं कि 90 तक भी आ सकते हैं एक शेड के, एक केज के अंदर,
और इस केज के अंदर वो तीन चीजें अवेलेबल होती हैं, एक बर्चिंग भी देते हैं इसको, इसके अलावा जो इनका लिटर एरिया है वो भी प्रोवाइड किया जाता है इसको, और ये जर्नल आप समझ रहे हैं कि इसका एक पैटर्न है, और एंड में साइड पे सेक्लूडेड जगह पे नेस्ट एरिया भी प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे बर्ड बैठ के एग प्रोड्यूस कर सकता है सेक्लूडेड एरिया के अंदर। ये आप देखेंगे केज की जो मॉडिफिकेशन होती रही है कि किस तरीके से केज को ऐसा ऐसा रूप दिया गया है कि उसी जगह के अंदर बर्ड केज के अंदर रहता है लेकिन उसके अंदर इतनी एम्पल स्पेस होती है कि वो मूव करता रहता है और उसकी वेलफेयर नीड्स पूरी होती रहती है। अर्ली इन द लास्ट सेंचुरी यूरोपियन एग प्रोडक्शन वॉज बेस्ड ऑन स्मॉल फ्लॉक्स ऑन जनरल फार्म। तो शुरू में जो के पॉपुलेशन कम थी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, और ओवरऑल फार्म भी छोटे होते थे और स्मॉल साइज के होते थे, तो इसीलिए इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं था, तो केज की तरफ लोग नहीं आए थे। फिर क्या हुआ कि जैसे डेवलपमेंट बढ़ी, एज द डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन इंक्रीजेज, तो फार्म्स बिकम मोर स्पेशलाइज एंड फ्लॉक साइज लार्जर। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ी है, पॉपुलेशन साइज बढ़ा है, और पॉपुलेशन को की रिक्वायरमेंट को या नीड को फुलफिल करने के लिए फ्लॉक साइज भी इंक्रीज हो गया, तो फ्लॉक साइज को इंक्रीज करने के लिए बहुत सी टेक्नोलॉजी के लिए हमने इनोवेशन जो हैं वो करनी शुरू कर दी। तो एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्टेड विद हाउसिंग ऑफ बर्ड्स कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंटल केजेस एंड गेट अवे केजेस। तो जब उस पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ तो दो किस्म के उन्होंने मेजर किए, एक तो एक्सपेरिमेंटल केजेस बनाए कि केज के अंदर बर्ड को कैसे रहा जा सकता है, और दूसरा गेट अवे केजेस हैं। गेट अवे केजेस में आपकी मूव, अगर बर्ड वहाँ पे कट एक जगह पे उसको स्पेस दे दें वहाँ से वो मूव भी कर सके। लेटर एक्सपेरिमेंटल केजेस वाज मॉडिफाइड एंड नाउ आर डेज टर्म दैट एंड इज केजेस। तो जो शुरू में केज डेवलप हुए वो ऐसा ऐसा भी मॉडिफाई हो गया, जिसको हमने शुरू में बात की है कि इसको मॉडिफाइड केजेस भी कहा जाता है और इसको हम एनरिच्ड केजेस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एनरिचमेंट हुई हुई है परचीज की, लिटर एरिया की और नेस्ट की। मोस्ट ऑफ द अर्ली अप्लाइड रिसर्च वॉज कैरीड आउट इन फर्निश्ड केजेस फॉर 8 to 10 हेंस पर केज। तो सबसे पहली बात आप ये कह सकते हैं कि सबसे जो अप्लाइड रिसर्चेज हुई हैं वो फर्निश्ड केजेस के ऊपर होंगी, जिसमें हम 8 से 10 जो हैं वो हैं एक केज के अंदर रख सकते हैं। तो इसमें ये है कि जो सबसे पहले केज अवेलेबल था उसको जब उन्होंने मॉडिफाई करने की कोशिश की, तो सबसे पहले उसकी स्टॉकिंग जो डेंसिटी है उसको इम्प्रूव किया, कि जब हम जहाँ पे एक केज के अंदर 9 बर्ड आ रहे थे वहाँ पे उन्होंने उसको 4 से 5 बर्ड में कन्वर्ट किया, और वहाँ पे जब थोड़ी सी स्पेस डेवलप हुई फिर उन्होंने सूटेबल जगह पे रख के पर्चीज रखी, क्योंकि पर्चीज थोड़ी सी ऊपर भी अगर बना दी जाए तो बर्ड उस पर बैठ सकता है। दूसरे नंबर पे मेन एस्पेक्ट इसका ये रखा गया कि एक लिटर एरिया साइड पे बनाया गया और बिल्कुल एक तरफ नेस्ट बॉक्स बनाया गया, ताकि बर्ड जो हैं ये तीनों जो एनरिचमेंट फैसिलिटीज दी जा रही हैं वो उसको प्रॉपर यूज कर सकें, 4 5 बर्ड जितने भी हैं। एग प्रोडक्शन एंड फीड कन्वर्जन वर जनरली एज गुड। तो जो एग टाइप बर्ड होते हैं हमारे, इसकी फीड कन्वर्जन ऐसे होती है कि कितनी बर्ड फीड खा के एग प्रोड्यूस कर रहे हैं। डेफिनेटली जो कमर्शियल ब्रॉयलर है उसमें हम मीट लेते हैं, तो उसमें एस्पेक्ट हमारा ये होता है कि कितनी बर्ड फीड खा के उसको मीट में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये वाला जो सनेरियो है एग प्रोडक्शन वाला या एग लेइंग की जो एसपीआर होती है, ये याद रखें कि ये इस बर्ड की एफिशिएंसी को हम दो तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक ये इस एक हम कहते हैं एफसीआर पर डजन एग, कि बर्ड कितनी फीड खा के एक डजन एग प्रोड्यूस करता है, एक तो क्राइटेरिया ये है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि एफसीआर पर केजी एग मास, के बर्ड कितनी फीड कंज्यूम करके 1 किलो एग मास प्रोड्यूस करता है। तो ये दो क्राइटेरिया हैं जो कि बर्ड की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। जब बर्ड को केज के अंदर लेके जाया गया तो वहाँ पे एक तो उसको आइडियल एनवायरनमेंट के साथ साथ आइडियल न्यूट्रिशन मिलती रही, तो उससे उसकी एफसीआर तो काफ़ी इम्प्रूव हुई, एग प्रोडक्शन भी काफ़ी एनहांस हुई, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि उसकी बिहेवियर और जो उसके वेलफेयर जो कंसर्न है या वो कम्प्रोमाइज हो गया हमारे। अब उसके लिए कुछ लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स बनी हैं, उसमें आप समझ लेंगे ये पूरी यूरोपीय यूनियन ने इस पर काम किया है। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर फर्निश्ड केजेस इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ
एटलीस्ट 750 सेंटीमीटर स्क्वेयर ऑफ केज एरिया पर हैं, ऑफ विच 600 सेंटीमीटर स्क्वेयर 80% शेल बी यूजेबल। उन्होंने इस तरीके से लेजिस्लेशन जो रूल रिक्वायरमेंट रखी हैं लेइंग हेंस के लिए, वो ये है कि एक तो आपने जो केज बनाना है उसमें पर हैन रिक्वायरमेंट आपकी 750 सेंटीमीटर स्क्वेयर होनी चाहिए, और दूसरे नंबर पे ये है कि इस 750 सेंटीमीटर जो स्क्वेयर आपने रखी हुई है इसमें 80% तक, मीन्स के 600 सेंटीमीटर स्क्वेयर तक यूजेबल होनी चाहिए। एटलीस्ट 45 सेंटीमीटर हाई विद अ मैक्सिमम फ्लोर स्लोप ऑफ 14%, कि इतनी उसकी हाइट होनी चाहिए 45 सेंटीमीटर, मूव कर सके, विंग उसकी फ्लैपिंग हो तो वो एक दूसरे के ऊपर विंग ना लगे। या फिर केज में अक्सर ये होता था कि बर्ड जब विंग फ्लैपिंग करता है तो केज में उसके विंग्स फंस जाते हैं, जिससे उसको इंजरी हो जाती है, ब्रूजेज आ जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एंड द रिमेनिंग 150 सेंटीमीटर स्क्वेयर 20% शेल बी एटलीस्ट 20 सेंटीमीटर हाई, कि इतनी वो हाइट में होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसमें जो पर्चेज इंस्टॉल करनी है वो भी होनी चाहिए, और जो हम नेस्ट बॉक्स रखते हैं, कुछ बर्ड्स क्या करते हैं कि उस नेस्ट बॉक्स के ऊपर बैठ जाते हैं, तो इसलिए इतनी स्पेस होनी चाहिए कि अगर नेक्स्ट बॉक्स के ऊपर भी वो बैठें तो एक एम्पल स्पेस उसके लिए रिक्वायर्ड होनी चाहिए। अ नेस्ट नॉट रिगार्डेड एज यूजेबल एरिया, अब वो कह रहे हैं कि नेस्ट ऐसी जगह पे बनाना चाहिए जो कि यूजेबल एरिया ना हो, कि बर्ड आमतौर पर वहाँ पे मूव ना कर रहे हैं, क्योंकि ये एक लेइंग हेन का जर्नल आप समझ लें कि आप उसकी हैबिट है कि वो ऐसी जगह के ऊपर वो एग प्रोड्यूस करता है जो कि सिक्लूडेड एरिया हो। अगर हम फार्म पे भी देखें तो वो हम उनके नेस्ट बिल्कुल साइड के ऊपर रखते हैं जहाँ पे अंधेरा ज़्यादा होता है, डार्क एरिया होता है, ताकि वहाँ पे बर्ड इजीली जाके एग प्रोड्यूस कर सके। तो इसीलिए यहाँ पे भी केज में भी इस चीज़ को मेक श्योर किया गया कि जो नेस्ट एरिया है वो इस तरह का होना चाहिए जो कि यूजेबल बहुत ज़्यादा ना हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना रहे बर्ड। फिर जो लीडर है, फ्राइबल मटेरियल अनेबलिंग हेंस टू सेटिस्फाई देयर इकोलॉजिकल नीड्स। तो जो लीडर है, जो लीडर एरिया है स्क्रैचिंग की मैंने आपको बात बताई थी, वो इस तरह का होना चाहिए कि बर्ड की जो इकोलॉजिकल नीड है, इकोलॉजिकल जो नीड है ना उसकी बेसिकली बिहेवियर और वेलफेयर है, ये उसका इकोलॉजिकल नीड है, कि वो बर्ड के अंदर एक बिहेवियर होता है जिसको हम कहते हैं कि क्लीनिंग बिहेवियर। उसमें बर्ड क्या करता है, अपने आप को डस्ट बाथिंग करता है, उस पर स्वैप करता है अपने आप को लेटर के अंदर, और फिर बाद अपने फैदर की फ्लटरिंग करता है जिससे उसके फैदर क्लीन हो जाते हैं। दूसरा ये है कि बर्ड के अंदर एक इंस्टिंक्ट है कि वो स्क्रैचिंग लाजमी करता है, और ये उसकी शुरू से ये इंस्टिंक्ट चल रही है आ रही, तो इसीलिए बर्ड जो है उसको इस तरह का मटीरियल प्रोवाइड करना चाहिए, फ्राइबल मटीरियल सब स्टेट इस तरह का जिस पे बर्ड जो है वो कंफर्टेबल भी फील कर सके और उसके साथ बाथिंग जो है वो कर सके, या अगर उसने स्क्रैचिंग करनी है तो वो कर सके, उससे उसको कोई नुकसान ना हो। क्योंकि ये जनरल देखेंगे अगर हम बर्ड के अंदर जो कमर्शियल फार्म है उसमें बेडिंग मटेरियल जो देखते हैं वो भी यही चीज़ होता है, लेटर मटीरियल, वो ऐसा मटीरियल प्रोवाइड करते हैं जो कि उसके लिए ज़्यादा सूटेबल हो, कुशनिंग के तौर पर काम आ सके। क्योंकि ये है कि लाहौर, ये अगर हम जनरल बात करें कि ये लाहौर के इस एरिया के पास जितने भी ये फार्म आपको नज़र आते हैं, और मेनली अगर हम जनरल की बात करें तो पंजाब के अंदर जितने फार्म्स हैं यहाँ पे लिटर मटेरियल जो यूज़ होता है वो ज़्यादातर राइस हस्क यूज़ होता है, क्योंकि राइस की प्रोडक्शन पाकिस्तान में ठीक ठाक होती है, तो उसमें फिर क्या होता है कि जो राइस का जो छिलका होता है, राइस हस्क जिसे कहते हैं, वो एज अ लिटर मटीरियल यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल बेडिंग मटीरियल है, तो वो आमतौर पर यूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा वुड शेविंग होती है, वो भी एज अ लिटर मटीरियल के तौर पर यूज़ होता है। फिर स्ट्रॉ जो है, वीट स्ट्रॉ जो है, वो भी लिटर के तौर पर यूज़ होता है। तो पाकिस्तान में ये तीन तरह के जो लिटर मटीरियल हैं, जिसमें राइस हस्क है और वुड शेविंग होती है या फिर वीट स्ट्रॉ है, ये सारा जो मटेरियल मैंने आपको बताया है इसको एज अ बेडिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है। और ये जो बेडिंग मटेरियल है ये बर्ड के लिए ज़्यादा ज़रूरी इस वजह से है कि बर्ड के अगर हम फीट देखें तो फीट के नीचे ना शंट्स होते हैं, शंट्स जो हैं इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जिस सरफेस पे पड़ता है तो उसके टम्परेचर को वो अल्टीमेटली फील कर रहा होता है।
तो इसीलिए हम जब उसको बेडिंग मटेरियल देते हैं तो उसमें वो कंफर्टेबल फील करता है अपने आप को, तो हमें ये प्रोवाइड करने पड़ते हैं। केज के अंदर इसका मकसद ये है कि हम उसको एक लिटर मटेरियल का एक ऐसा एरिया उसको प्रोवाइड कर दें जहाँ पे अगर उसने स्क्रैचिंग करनी है वो स्क्रैचिंग कर सकता है, अगर उसने डस्ट बाथिंग करनी है तो वो डस्ट बाथिंग कर सकता है। तो अल्टीमेटली बर्ड के जब इकोलॉजिकल नीड्स यानी कि उसके बिहेवियर और वेलफेयर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी, तो अल्टीमेटली बर्ड हेल्दी भी रहेगा, एग प्रोडक्शन उसकी बेहतर रहेगी और एग की क्वालिटी जो है ना वो बेस्ट होगी। इट इज सच डेट पैकिंग एंड स्क्रैचिंग आर प्रोसीजर। अब इसमें एक चीज़ ये याद रखें कि ये जो दो चीज़ें आ रही हैं इसमें पैकिंग और स्क्रैचिंग की है, पैकिंग और स्क्रैचिंग की जरा चीज़ ये याद रखें कि जब हमने इस बर्ड को ग्रो करना होता है, शुरू में कमर्शियल लेयर है या फिर हमारे पास कमर्शियल ब्रॉयलर है, अगर हम फ्लोर पे रखते हैं उसे तो फ्लोर पे हम बेडिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो शुरू में बर्ड को क्योंकि इतना आइडिया नहीं होता, वो अभी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा होता है, तो वो इस लिटर मटेरियल को कंज्यूम भी करना शुरू कर देता है जिससे बर्ड की मोर्टेलिटी भी हो सकती है। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, शुरू में कोई ब्रूडिंग पेपर या न्यूज़पेपर जिस तरह का होता है वो हम शेड के अंदर बिछा देते हैं पहले, उसके ऊपर फिर जो चिक्स हैं उसको इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि जब बर्ड एक्लिमेटाइज हो जाता है शेड के एनवायरनमेंट से फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बेडिंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। तो इस वजह से ये है कि जब बर्ड ग्रो कर जाता है और मेच्योर हो जाता है तो कोई भी जब फ्लाईएबल चीज़ मिलेगी लाइक लिटर मटेरियल तो बर्ड उसके अंदर जो है वो डस्ट बाथिंग कर सकता है। तो ये उसकी क्लीनिंग और जो का बिहेवियर है और जो उसका स्क्रैचिंग का जो है वो पॉसिबल हो सकती है केज के अंदर अगर हम उसको एक लिटर एरिया प्रोवाइड कर दें। अब फीड ट्रफ अलाउइंग एटलीस्ट 12 सेंटीमीटर लेंथ पर है कि एक जो जो फीड ट्रफ है जिसमें उसने फीड कंज्यूम करनी है वो एटलीस्ट इसकी स्पेस जो है ना वो 12 सेंटीमीटर होनी चाहिए ताकि जब एक मिच्योर हैन अगर उसमें फीडिंग के लिए जाए तो उसको एक एम्पल स्पेस मिल सके प्रॉपर, कि वो आसानी के साथ उसमें फीड खा सके, ये ना हो कि उसको फीड कंज्यूम करने में मुश्किल हो क्योंकि वो जगह कम है और बर्ड ज़्यादा है तो उस वक्त फिर उसको फीड कंज्यूम करने में मसला आता है। तो इसलिए ये रिक्वायरमेंट रखी गई कि तकरीबन जो स्पेस है जो फीड ट्रफ के ऊपर जहाँ पे बर्ड ने फीडिंग करनी है वो 12 सेंटीमीटर उसके पास पर हैंड स्पेस होनी चाहिए। फिर ये है कि अ ड्रिंकिंग सिस्टम अप्रोप्रिएट टू द साइज ऑफ द ग्रुप, के जो ड्रिंकिंग सिस्टम है क्योंकि ये चाहे आप इन्वायरमेंटली कंट्रोल जितने भी शेड हैं या ये लेयर के अंदर केज सिस्टम है उसमें ज़्यादातर दो किस्म के ही ड्रिंकर यूज हो रहे हैं, एक मैनुअल या ये ड्रिंकर होते हैं वो यूज़ हो जाते हैं, या फिर निपल ड्रिंकर सिस्टम होते हैं जिसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर आता है, जब बर्ड उसको बीक मारता है तो ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर आता है। तो आपके पास निपल ड्रिंकर सिस्टम है, कप ड्रिंकर सिस्टम है, कौन सा भी सिस्टम है, आपको एटलीस्ट दो के हिसाब से रखना होता है कि एक हैंड के अगेंस्ट टू होने चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हम बर्फ का बर्ड को किसी ना किसी केस में थ्रस्ट भी दे रहे होते हैं। लाइक अगर हमने कमर्शियल फ्लॉक्स की वैक्सीन करनी है और वो वैक्सीन हमने ड्रिंकिंग वाटर में देनी है तो हम फिर क्या करते हैं कि आधे घंटे की बर्ड को थ्रस्ट देते हैं ताकि बर्ड फौरी तौर पर पानी पर पहुंचे और वो वैक्सीन जो हमने डाली है या फिर मेडिकेशन अगर डाली है वो फौरी तौर पर उसको मिल सके। तो इस तरह के केसेस में ये होता है कि हमने ना इसकी रिक्वायरमेंट पूरी रखनी होती है, क्योंकि ये एक जनरल रूल ऑफ थम है कि बर्ड जितनी फीड कंज्यूम कर रहा होता है उससे वो डबल पानी कंज्यूम करता है, 2:1 रेशो है कि मतलब जितनी उसे फीड खानी उसे 2 गुना ज़्यादा उसने पानी पीना। तो इसीलिए ये है कि अगर बर्ड और पानी जो है वो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर उसको फीड ना मिले तो उसको कोई इतना मसला नहीं होगा, लेकिन अगर उसको पानी ना मिले और वाटर हो जाए तब उसको काफ़ी ज़्यादा इशूज बनने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें इस एस्पेक्ट पे कभी भी कम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता कि ये जो ड्रिंकिंग सिस्टम है ये एक तो अच्छा होना चाहिए और बर्ड की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमारे पास ड्रिंकर्स होने चाहिए, चाहे वो निपल ड्रिंकर सिस्टम है या कप सिस्टम है। अब मिनिमम आयल विड्थ बिटवीन केज ब्लॉक ऑफ 90 सेंटीमीटर। तो अब ये है कि जो कॉरिडोर है गुजरने की जो जगह है जो रास्ता है दो केज के दरमियान जो आप चल रहे होते हैं, कि आप इस तरह से होता है कि एक शेड के अंदर एक केजिस की आप समझ लें कि मल्टीपल लेयर्स होती हैं, टीयर जिसको कहते हैं, फिर उसके सामने केजे होते हैं उसमें मल्टीपल टीयर सिस्टम होते हैं और इन दोनों के दरमियान स्पेस होती है। तो ये जो स्पेस की आप बात कर रहे हैं इसको आइल भी कहते हैं, ये 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए ताकि इजीली वहाँ पे मूव किया जा सके। एटलीस्ट 35 सेंटीमीटर बिटवीन द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग एंड द बॉटम टीयर ऑफ केजेस,
एक केज है, फिर उसके ऊपर एक और दूसरा केज है, इसको हम बोलते हैं टीयर सिस्टम। तो आमतौर पर यह है कि जो ज्यादा हाईली मैकेनाइज्ड है वो 7 टीयर्स तक जाते हैं। इसके अलावा कुछ जो है वो 5 टीयर वाले केज भी अवेलेबल है मार्केट में। तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन कि आपने कौन सा प्रोडक्शन कैपेसिटी रखी हुई है, वो उस पर डिपेंड कर रहा है। फिर यह है कि सूटेबल क्लॉ शॉर्टनर है, ये यहाँ पे इतना इस्तेमाल नहीं है पाकिस्तान में इसका, लेकिन आप जनरली ये बात कर सकते हैं कि यूरोपियन कंट्री में ये करते हैं, क्योंकि लेइंग हैंड्स की एज काफ़ी ज़्यादा होती है। इस तरह से होता है कि तकरीबन ये 16 वीक्स के बाद एक प्रोडक्शन शुरू कर देती है, तो हम उसको 80 हफ्ते तक, 90 हफ्ते तक ग्रो कर सकते हैं। तो इस वजह से जब हम उसको इतनी ज़्यादा एज के लिए रखते हैं, तो इसके एक टाइम आने पे जो इसके क्लॉज हैं वह उस पे नेल्स ग्रो कर जाते हैं बहुत ज़्यादा, जिससे उसको मूव करने में प्रॉब्लम आती है। तो बेसिकली उसकी नेल कटिंग की जाती है, उसको क्लॉ शॉर्टनर कहते हैं, जिससे उसके नेल्स वगैरह काटते हैं। लेकिन ये वाली जो प्रैक्टिस है ये पाकिस्तान में इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, और ये यूरोपियन कंट्रीज में इसका फिर भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है। लेकिन ये क्योंकि इधर इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि ये एक लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट है, तो जब वो ये लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट बनाई जाती हैं तो उसमें तमाम एस्पेक्ट से चीज़ों को देखा जाता है, फिर चाहे वो कम इस्तेमाल है या उसका ज़्यादा इस्तेमाल। अच्छा ये देख लें कि ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये अब आपके पास स्लाइड आ गई है आखिरी, के पॉसिबल फ्यूचर डेवलपमेंट्स क्या हैं इसकी। अब तक मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले तो जो कि इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं थी, इतने बर्ड्स नहीं थे, तो वो पहले फ्लोर पे उनको ग्रो किया जा रहा था। फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, इसको हम उठा के केज में लेके आ गए बर्ड को, और ज़्यादा हमने मैकेनाइज कर दिया, और एक टाइम पे ज़्यादा बर्ड्स को ग्रो किया। उससे फिर क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा आया कि उसके बिहेवियर और वेलफेयर नीड्स कम्प्रोमाइज होने शुरू हो गए। अब हम दोबारा ट्राई ये कर रहे हैं कि किस तरीके से बर्ड को केज में से निकाला जाए और उसको दोबारा हम फ्लोर पे लेके आए, या फिर अगर हमें केज में भी रखने हैं तो किस तरीके से केज में उसको इस तरह के इम्प्रूवमेंट दिए जाए तो उसको एक नेचुरल जितने भी उसके बिहेवियर हैं वो फुलफिल हो सके। फिर दूसरे नंबर पर साइज ऑफ केज है, कि अब उस पर बहुत ज़्यादा फ्यूचर की डेवलपमेंट इस पर चल रही है कि किस तरीके से इसका साइज इंक्रीज किया जाए और कितना साइज इंक्रीज करें, जो कि बर्ड के लिए एम्पल हो के उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। तीसरे नंबर पे लिटर प्रोविजन एंड लिटर मटेरियल, कि आपने लिटर प्रोवाइड किस तरह से करना है केज में, जाहिर सी बात है लिटर एरिया के अंदर ही करेंगे, लेकिन लिटर मटेरियल जो है ये डिपेंड कर रहा होता है कि किस एरिया के अंदर बर्ड को ग्रो किया जा रहा है। अब पाकिस्तान की मैंने आपको बात बता दी है, पाकिस्तान है, ये एशिया में राइस हस्क इजीली मिल सकता है, वुड शेविंग भी मिल सकती हैं, लेकिन ये है कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर ये नहीं मिल सकती चीज़ें, तो वहाँ पे और चीज़ें यूज होती हैं। किसी में कोकोनट के जहाँ पे ट्रीज ज़्यादा हैं तो उसके भी आप समझ रहे हैं कि रेजिड्यूज जो हैं वो भी यूज हो रहे होते हैं। तो मल्टीपल एरिया के हिसाब से जो वहाँ पे इजीली अवेलेबल मटेरियल हो वो यूज किया जाता है। इसके अलावा लाइटिंग एंड लाइट इंटेंसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये लेइंग हैंड्स का जो डायरेक्ट ताल्लुक है वो लाइट के साथ होता है, कि अगर जब हम उसको ग्रो कर रहे होते हैं तब हमें उसको 8 घंटे लाइट प्रोवाइड करते हैं, और जब वो मच्योर हो जाता है और एग प्रोड्यूस कर रहा होता है तो उसको 16 घंटे लाइट चाहिए होती है। और दूसरे नंबर पे लाइट की इंटेंसिटी है, कि ग्रोइंग के दौरान लाइट डिम होती है, इंटेंसिटी कम दी जाती है, प्रोडक्शन के दौरान लाइट ज़्यादा दी जाती है। तो लाइट की एक तो लेंथ भी है, लाइटिंग जिसे कहते हैं लाइट ड्यूरेशन, फिर उसकी इंटेंसिटी, ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं बर्ड को। तो अब जब हम केज सिस्टम की बात करते हैं तो केज सिस्टम में हम लाइट प्रोवाइड करते हैं, जब उसको लाइट प्रोवाइड करते हैं तो अल्टीमेटली जो थर्ड लास्ट जो टीयर होता है उसमें डार्कनेस ज़रा ज़्यादा होती है, उसमें लाइट उस लिहाज से ज़्यादा नहीं पहुंचती। तो इस वजह से इस पर भी काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है कि किस तरीके से हम लाइट को ऐसे मैनेज करें कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके पूरे शेड के अंदर और हर केज पे उसको मुनासिब लाइट मिल सके। फिर कैचिंग एंड हैंडलिंग ड्यूरिंग डीपॉपुलेशन, कि जब आपने डीपॉपुलेट करना है फ्लॉक को, वहाँ से निकालना है, उसको सेल करना है, तो किस तरीके से उसकी कैचिंग और हैंडलिंग की जाए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब हैंडलिंग की जाती है केज में से तो बर्ड जो है वो अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, क्योंकि वो उसने लाइफ टाइम अपने केज में गुजारी होती है, तो वो उसको किसी बर्ड किसी ह्यूमन ने अप्रोच नहीं किया होता, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा जो है वो नर्वस हो रहा होता है, स्ट्रेस में आता है। तो उसको जब हम उसकी हैंडलिंग करते हैं तो डीपॉपुलेशन के दौरान, तो बर्ड बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रेस के अंदर आना शुरू हो जाता है।
तो इसकी भी जो टेक्निक्स हैं उसको मजीद इम्प्रूव किया जा रहा है कि किस तरीके से बर्ड को ऐसे हैंडल किया जाए जिससे उस पर स्ट्रेस मिनिमम आ सके। तो ये जो आपके सामने इस वक्त आपको पॉइंट नज़र आ रहे हैं छः, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि फ्यूचर में किस तरीके से हम जो फर्निश्ड केजेस हैं उस पर काम कर रहे हैं, उसमें हम उसके ग्रुप कलोनी साइज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर केज के साइज को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हम उसको लिटर की प्रोविजन के हम उसको ऐसी जगह पे जगह बनाएं जहां हम केज के अंदर ही जहां पे उसको लिटर मिल सके, और साथ ही लिटर मटेरियल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मटेरियल दें जिससे बर्ड ज़्यादा कंफर्टेबल फील करे। फिर लाइटिंग और लाइटिंग इंटेंसिटी है कि स्पेशली इन केजेस, क्योंकि फ्लोर वाला जो शेड है उसमें तो फिर भी लाइट मैनेज हो जाती है, लेकिन ये जो टिपिकली केज के अंदर होते हैं बर्ड, तो जो लास्ट ईयर के अंदर बर्ड होते हैं उनमें डार्कनेस रहती है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए मजीद इसकी लाइटिंग सिस्टम पे काम हो रहा है। फिर टेक्निक्स टू प्रिवेंट फैदर पैकिंग, तो वो तमाम टेक्निक्स पे काम किया जा रहा है कि किस तरीके से फैदर पैकिंग पे काम शुरू, क्योंकि कमर्शियल लेयर के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो फैदर पैकिंग आती है, क्योंकि ज़्यादा इनमें एग्रेशन शुरू हो जाता है तो एक दूसरे के फैदर पुल आउट करना शुरू कर देते हैं, तो लेइंग हैंड जो हैं, और ये है कि एक दूसरे के साथ होते हैं, ये एक केज के अंदर 8 से 9 बर्ड रखे होते हैं, तो इसलिए फैदर पैकिंग जब स्टार्ट होती है तो एकदम से काफ़ी सारे फ्लॉक के ऊपर शुरू हो जाती है, तो वो टेक्निक्स देखी जा रही है जिससे हम फैदर पैकिंग से महफूज रह सकें। फिर इसकी कैचिंग और हैंडलिंग का बड़ा एक इशू रहता है कि बर्ड जो कि पूरी लाइफ अपनी केज में गुजारता है और उसमें ह्यूमन हैंडलिंग नहीं होती, तो जब हम उसको डीपॉपुलेट करते हैं तो बर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आता है और विंग फ्लैपिंग शुरू कर देता है जिससे उसके जो पेक्टोरल मसल्स हैं वो डैमेज होते हैं, ब्रूजेज उसके ऊपर आ जाते हैं ड्यूरिंग डीपॉपुलेशन। तो इसकी भी जो टेक्निक है उस पर भी मजीद जो है वो काफ़ी काम हो रहा है। तो ये आपका एक जनरल टॉपिक था रिलेटेड टू फर्निश्ड केजेस, इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बता दें, उसको हम डिस्कस करते हैं। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आपके माइंड में, फर्निश्ड केजी से रिलेटेड या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो बताएं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो बता दें। जी सर सर जी ये जो उनसे लिटर एरिया या नेस्ट बॉक्सेस है, ये सर केजिस में किस पोजीशन पे होने चाहिए, यानी कि एक तरफ एक कोने पे होने चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, लाइक आप ये समझ लें कि ज़्यादातर ये किया जाता है कि अगर आप में केज है तो केज के एक साइड की तरफ राइट साइड पे आमतौर पर या लेफ्ट पे भी रख सकते हैं, तो एक कॉर्नर के ऊपर आप वो रख देते हैं, बिल्कुल नीचे नहीं रखते उसको, हाइट के ऊपर रखते हैं क्योंकि बर्ड जंप करके जाता है नेस्ट में, तो बिल्कुल आप समझ लें कि कॉर्नर पे, एक कॉर्नर पे आपके वो आ जाता है नेस्ट बॉक्स जो कि केज के मिड में आता है, और जो लिटर एरिया है वो एक कॉर्नर पे आता है, क्योंकि वो डेफिनेट बात है कि वो फ्लोर के ऊपर ही होगा केज वाले जगह पे, क्योंकि वहाँ पे बर्ड ने बैठ के डस्ट बाथिंग करनी है या स्क्रैचिंग करनी है। तो आमतौर पर जनरल ये किया जाता है कि एक एज के एक कॉर्नर के ऊपर हम नेस्ट बना देते हैं मिड में, और एक कॉर्नर के ऊपर वो रख देते हैं लिटर एरिया, और सेंट्रल पोजीशन के ऊपर हम वो पर्चिंग के लिए ना वो रोड लगा देते हैं, उसमें बर्ड बैठ के पर्चिंग कर लेते हैं। तो ये एक जनरल पैटर्न चल रहा है आजकल, इसके अलावा ये है कि मज़ीद इम्प्रूवमेंट चलती जा रही है, मुख्तलिफ अगर कोई मज़ीद और इम्प्रूव डिज़ाइन आएगा तो वो हो सकता है कोई और बेहतर ऑप्शन रख लें। ओके सर। हाँ जी, और भी क्वेश्चन है हम लोगों का?
चलें ठीक है जी, फिर इसको ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह, आपसे नेक्स्ट होगी क्लास में मुलाकात। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।